सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से आइए देखते हैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि जब वह मुझको पुकारे, वह यानी मनुष्य, कहता है किसी भी मनुष्य के लिए उसने कहा है कि जब वह यानी मनुष्यों में से यदि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के शरण में रहने वाला या परमेश्वर की सुनने और मानने वाला अर्थात परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसने अपने लोगों से, अपने प्रेम करने वालों से कहता है कि जब वह पुकारे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। वो अपने प्रेम करने वालों के लिए कहा कि वह जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी ही सुनूंगा। तो अपने प्रेम करने वालों से कहता है कि वह जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी हर एक पुकार की जो आवाज है सुन लूंगा, और कहता है संकट के दिन में मैं उसके संग रहूंगा, और कहता है कि संकट का जब दिन आएगा तो मैं उसके संग आ जाऊंगा, उसके संग रहूंगा। कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करने वाला, मेरी आज्ञा पे चलने वाला है, मेरी बातों को मानने वाला व्यक्ति है, कहता है कि जब वह मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, उसकी आवाज सुनूंगा, मैं अनसुना नहीं करूंगा। और कहता है कि जब वह व्यक्ति कभी संकट में भी पड़ेगा तो संकट के समय मैं क्या करूंगा, उसके साथ आ जाऊंगा, उसकी मदद, उसकी सहायता के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करने वाला है वह व्यक्ति परमेश्वर से जो कुछ मांगता है उसे मिल जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी संकट में पड़ता है, ऐसा व्यक्ति अगर कभी संकट में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है, दुख में पड़ता है, तो परमेश्वर उसके दुख वाली घड़ी में आकर उसे उस दुख से, उस विपत्ति से, उस संकट से उसे बचाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि संकट के दिन ऐसे व्यक्ति के मैं संग आ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उसे बचाऊंगा। कहता है जब मैं उसके संग आ जाऊंगा हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तकलीफ से, हर प्रकार के विपत्तियों से मैं उसे बचाऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि वह जब मुझे पुकारेगा मैं सुनूंगा, संकट में उसके संग आ जाऊंगा, उसे बचाऊंगा। तो यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपकी पुकार को सुने और विपत्ति के दिनों में वह आपके संग आ जाए और आपको बचाना चालू करे और बचाकर आपको अपनी नाम की महिमा दे, तो जरूर है कि आप परमेश्वर के अधीन होइए, आप परमेश्वर की सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार होइए। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की सुनने और मानने के लिए तैयार होता है वह परमेश्वर की ओर से अनंत काल के जीवन की आशीष पाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि जब वह व्यक्ति दुख में पड़ेगा, विपत्ति में पड़ेगा, उसके संग चला जाऊंगा और उसके संग जाकर उसे बचाता रहूंगा, उसे छुड़ाता रहूंगा। इतना ही नहीं, कहता है उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाएगा, उसके नाम, उसके मान सम्मान को बढ़ाएगा। किसके द्वारा? अपने नाम के द्वारा।
तो जब हम प्रभु के संगत में होते हैं और प्रभु के नाम से हम रहते हैं ना, तो प्रभु क्या करता है, अपने नाम के द्वारा हमारे नाम को ऊंचा करता है। इसलिए उसने कहा कि जब मैं उसे बचा लूंगा तो बचा कर उसकी महिमा बढ़ा दूंगा और मैं उसको दीर्घ आयुष्य तृप्त करूंगा। कहता है मैं उसे दीर्घ आयुष्य यानी लंबी उम्र, दीर्घ आयु का मतलब लंबी उम्र, और सबसे लंबी उम्र कौन सा है, अनंत काल के जीवन का अर्थात स्वर्ग का। स्वर्गीय जीवन की जो उम्र होती है वह सबसे लंबी होती है। इसीलिए कहता है कि मैं उसको दीर्घ आयुष्य तृप्त करूंगा, उसे लंबी उम्र से यानी स्वर्ग क्या जीवन देकर उसे तृप्त कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर कोई व्यक्ति उसे लंबी उम्र को पाना चाहता है, दीर्घ आयु को पाना चाहता है, वह हर कोई व्यक्ति दीर्घ आयु को पाना चाहते हैं, लंबी उम्र स्वर्गीय जीवन को पाना चाहते, कोई इनकार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं क्या करूंगा, उसे दीर्घ आयुष्य तृप्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, कहता है अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कहता है कि मैं जिस स्वरूप में होकर मनुष्यों का उद्धार करूंगा, न्याय के समय में, उद्धार के समय में मैं जो स्वरूप धारण किया रहूंगा, कहता उस स्वरूप का मैं उसे दर्शन दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। यदि आप भी पाना चाहते हो दर्शन को, तो जरूर है कि आप परमेश्वर के अधीर हो जाइए, उसके संगत में हो जाइए। जरूर है कि आपके जीवन में एक नई आशीष आना चालू करेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे विश्वास में हमेशा भरे रहिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु जरूर है कि आपको अपनी आशीषों में भर के रखिए। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते, पिता प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लत पद घायल हाथों को बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष आए, हर एक के जीवन में आशीष आए। और भी प्रभु का संदेश है कि आप सभी लोग इस आशीष को रिसीव करो, क्योंकि आपके जीवन में अनहोना चमत्कार होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब तेरे विश्वास इनके विश्वास से चंगा होने दे, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में अनोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख परेशानियां बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार हुआ चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व छुटकारा पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके मस्तिष्क में तकलीफ हो मस्तक की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसकी आंखों की तकलीफ है आंख की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ, कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, नस और हड्डी की तकलीफें बिल्कुल के शरीर से खत्म होने पाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपनी भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे की भली भांति छंगाई पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, अपने भारी आशीषों के द्वारा भर मेरे प्रभु, ताकि तेरे आशीष के द्वारा हे परमेश्वर सब के सब भरने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में चाहे जो बीमारियां निकल जाए, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जिसके पास रोजी रोजगार नहीं, उन्हें रोजी रोजगार देकर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी दे, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज में तो कर्जा मुक्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, उनका जमीनी कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, घरेलू विवाद हो तो समाप्त हो जाए, आपस में मेल मिले आपके साथ प्रेम का जीवन जीने पाए। आ मेरे महान परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। आ मेरे महान परमेश्वर, की कलीसियाओं में आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर जितने लोग कलीसिया चलाने वाले इस प्रार्थना को रिसीव करें, उनकी कलीसिया पे आशीष दे, ताकि कलीसिया बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में कोई बंधन है तो आज टूट जाए, श्राप हो तो मिट जाए। रेंदा खारी बांदोलो रिवास सखारांदो सबरबा रीलिवा सखालावा सखारांदोलो रिवास सखारन ने ले रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर के ऊपर आने पाए, हर कोई तेरे सामर्थ्य में भरने पाए, तेरे सामर्थ्य में बढ़ने पाए, इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां निकल जाए, जितने बीमार है उनकी बीमारियां जाने पाए यीशु के नाम में।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देवी, हर एक को शु और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को शु और हर एक को चंगा होने दे। अभी अभी प्रभु का संदेश है कि जितने लोग खांसी की तकलीफ से है, खांसी की तकलीफ से पीड़ित है, अभी प्रभु की ओर से संदेश है कि जितने लोग खांसी की तकलीफों से पीड़ित है, अब भी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, वह रिसीव कर ले इन आशीषों को, रिसीव कर ले आशीष को, क्योंकि प्रभु ने शुगर छग्गा कर रहा है। रेंदे शिलिवासा कर अंदा वश्य बेरेंदिलु, महान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय अनुग्रह के द्वारा हे परमेश्वर इनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में बड़े से बड़े अनोखे काम हो जाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में बड़े से बड़े अनोखे काम होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अद्भुत चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में प्रकट होने दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनुना चमत्कार होने दे। इस शरीर में जितने भी दुख परेशानियां नष्ट होने पाए, घरेलू परेशानियां निकल जाए, कोई विवाद हो तो समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तू दया बरसा प्रभु, ताकि तेरी भारी दया के द्वारा इनका जीवन हे परमेश्वर अनमोल आशीषों से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, अब भी प्रभु ने अभी संदेश दिया कि जितने प्रार्थना सुनने वाले ऐसे लोग हैं जिनमें दो लोग ऐसे हैं, जिनमें दो लोग ऐसे जो आज की आशीष को रिसीव कर रहे हैं, जिनके जिनके घर के ऊपर आशीष प्रभु दे रहा है, इनका घर भर नहीं पा रहा है, अधे अधीरे पे अड़का हुआ है, अभी प्रभु आशीष दे रहा है कि उनके घर के ऊपर आशीष दे रहा है कि उनका घर पूरा भरने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन्हें हर प्रकार के दुख बीमारियों से मुक्त कर, और ई बासा लबासा खरन दिले। आज जितने लोग प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं जिनके शरीर में दर्द भरा है, आज सभी दर्द वाले चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तू अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुने, हाँ मेरे प्रभु री बात संदर बात सिखरें दे लिए। महान परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा हरे को छुए और हर कोई आत्मा के अनुग्रह से भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ हरे के साथ हो, तेरा हाथ हरे के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरे को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4-3-5-7-0-2-0-1-0-0-8-9-7-3-3 और IFC कोड है UBIN 0-5-4-3-5-7-8 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8-7-9-5-1-3-0-3-2-1 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।